अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहज़ादा दाऊद, टाइटन अब्दोज़ और दुनिया भर के बहरी मायरीन, ये तीनों मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सूरह नूर की 40वीं आयत ने इन सब को एक दूसरे से बांध दिया। टाइटन अब्दोज़ 18 जून को कैनेडा के इलाके न्यूफाउंडलैंड से 400 मील दूर डूब गई, लेकिन ये डूबते डूबते कुरान मजीद का एक राज खोल गई। इसने दुनिया को हकानियत की एक और मिसाल दे दी। शहज़ादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेस मैन हुसैन दाऊद के साहबजादे हैं। हुसैन दाऊद खरबपति हैं। ये बिजली, फूड एंड एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल, केमिकल स्टोरेज, सोलर एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल शोबों में कारोबार करते हैं। दाऊद ख़ानदान 100 साल से कारोबार कर रहा है। ये एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलिस के मालिक हैं। शहज़ादा दाऊद इनके बड़े साहबजादे हैं। हुसैन दाऊद के 4 बच्चे हैं, सबरीना, शहज़ादा उज़्मा और समाद। शहज़ादा दाऊद की उम्र 48 साल थी। उनकी बेगम क्रिस्टीन बरतानवी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, बेटा सुलेमान और बेटी अलीना। ये लोग बरतानिया में रहते हैं। हुसैन दाऊद ने 2021 में शहज़ादा को एंग्रो का नायब चेयरमैन बना दिया। शहज़ादा गैर मामूली इंसान थे। उन्हें फोटोग्राफी और जानवर पालने का शौक़ था। ये नेचर लवर भी थे और फलाह व बहबूद के बेतहाशा काम भी करते थे। ये अपने 19 साल बेटे सुलेमान के साथ 18 जून 2023 को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन अब्दोज़ के ज़रिए समंदर में उतरे और फिर बाहर नहीं आ सके। ये अब्दोज़ ओशन गेट कंपनी की मलकियत थी और इसका CEO स्टेकन रैश भी उनके साथ था। अब्दोज़ में 5 लोगों की गुंजाइश थी और इसमें 5 ही लोग थे, 3 मुसाफिर और 2 अमले के लोग। शहज़ादा, उसका बेटा सुलेमान और बरतानवी अरबपति हमेश बालडंग। अब्दोज़ को पाल हेनरी चला रहा था, जबकि CIO स्टेकन रैश भी उनके साथ था। ओशन गेट 2021 से अरबपतियों को समंदर की तह में नीचे टाइटैनिक के मलबे की सैर करा रही थी। टाइटैनिक 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज़ था। ये जहाज़ अपने पहले सफ़र के दौरान ही न्यूफाउंडलैंड से 400 नॉटिकल मील दूर बर्फ़ के पहाड़ से टकरा कर तबाह हो गया और इसका मलबा समंदर की गहराई में डूब गया। जहाज़ पर 2000 मुसाफिर सवार थे और इनमें से 1500 डूब कर मर गए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशन गेट ने 2021 से दुनिया भर के उमराह को इसकी सैर करानी शुरू कर दी। ये सैर 10,500 किलोग्राम वजनी और 21 फुट चौड़ी आबदोज टाइटैन में कराई जाती थी, जिसमें 96 घंटों का लाइफ सिस्टम मौजूद होता था और कंपनी फ़ी का $2.5 लाख वसूल करती थी। ये आबदोज समंदर में 13,100 फुट गहराई में जा सकती थी। शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद 18 जून को बहरी जहाज़ MV पोलर प्रिंस के ज़रिए टाइटन में सवार हुए और आबदोज पानी में उतर गई। 1 घंटे 45 मिनट बाद आबदोज का कंट्रोल रूम से रबता टूट गया। अमरीकी बहरिया ने एन उस वक्त अपने लॉन्ग रेंज सोनार सिस्टम के ज़रिए पानी में धमाके की आवाज़ सुनी थी। दोस्तों, अमेरिका ने यह सिस्टम 1950 में बहरिए ओकेनूस में रूसी आबदोजों से बचने के लिए लगाया था। आज तक की तहकीकात के मुताबिक आबदोज पौने 2 घंटे बाद पीलॉजिक जोन में धमाके से फट गई थी। ये जोन 3,000 मीटर की गहराई में है। आबदोज की दम और लैंडिंग फ्रेम टाइटैनिक के मलबे से 1600 फुट के फासले से मिला। दोस्तों, टाइटन में बिलीनियर सवार थे, चुनाचे पूरी दुनिया के मीडिया ने यह खबर उठा ली। दुनिया जहाँ के बहरी माहरीन भी सामने आए और दुनिया को पहली मरतबा पता चला कि समंदर में तह दर तह बहरें होती हैं। एक बहर के बाद दूसरी बहर और दूसरी के बाद तीसरी बहर आती है और ये बहरें समंदर में सन्नाटा और अंधेरा करती चली जाती हैं। बहरों का बाकायदा वज़न भी होता है। समंदर के बालाई पानी का वज़न 6.6 किलोग्राम फी मुरबा इंच होता है। हर 10 मीटर बाद बहर तब्दील होती है और पानी का वज़न दुगना हो जाता है। यहाँ तक कि 3000 मीटर गहराई में जाकर पानी का वज़न 300 गुना बढ़ जाता है। समंदर में 2 घंटे गहराई में सफ़र के बाद पानी में अंधेरे के ऐसे गहरे बादल छा जाते हैं कि जिन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंधेरा दुनिया के किसी भी मकाम पर इंसान के तजर्बे में नहीं आता। बहरी माहरीन इस अंधेरे को पिच डार्कनेस कहते हैं। ये अंधेरा इतना गहरा होता है कि इंसान दूसरे हाथ को टटोल नहीं सकता। इस गहराई में दबाव और अंधेरे के बाद सर्दी और कम्युनिकेशन का अजाब भी नाजिल हो जाता है। पिच डार्कनेस की सर्दी नाकाबले बर्दाश्त होती है और वहाँ पहुँच कर दुनिया के तमाम GPS सिस्टम भी जवाब दे जाती हैं, क्यों वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। साइंसदान इस मकाम को मिडनाइट जोन कहते हैं और टाइटन अब्दोज इसी मकाम पर हादसे या धमाके का शिकार बनी।
दोस्तों अब सवाल ये है कि इस वाक्या का सूरह नूर और टाइटन अब्दो सानिया के साथ क्या ताल्लुक है। हमें ये जानने के लिए सूरह नूर की आयत 40 पढ़ना पड़ेगी। अल्लाह ताला ने इस आयत में मिडनाइट जोन और पिच डार्कनेस के बारे में बताया है, जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा हो, मौजों के ऊपर मौजें उठ रही हों, ऊपर से गहरे स्याह बादल छाए हुए हों, ऊपर तले बहुत से अंधेरे हों, और अगर कोई अपना हाथ निकाले तो वो इसको भी ना देख पाए। दोस्तों आप ये आयत दोबारा पढ़ें और इसके बाद टाइटन अब्दोस के सानिया पर माहरीन की राय भी दोबारा सुनें और फिर अपने आप से सवाल करें। आज से 1400 साल पहले जब इंसान समंदर में 3 मीटर से ज़्यादा गहराई में नहीं गया था, उस वक्त कुरान मजीद में किसने डिक्लेयर किया कि समंदर में मौजों के ऊपर मौजें होती हैं और ये गहरे बादलों की तरह हर चीज़ को ढांप लेती हैं और ये एक ऐसा अंधेरा तख्लीक कर देती हैं कि जिसमें एक हाथ दूसरे को शनाख्त नहीं कर सकता। आखिर ये हकीकत 1400 साल पहले किस तरह मालूम हुई? दुनिया 1985 में टाइटैनिक का मलबा तलाश कर पाई, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही बता दिया कि हम समंदर में मौज के ऊपर मौज चलाते हैं। ये मौजें गहरे बादल जैसी होती हैं और ये एक ऐसी पिच डार्कनेस तख्लीक करती हैं जिसमें बेनाई जवाब दे जाती है, और टाइटन इसी पिच डार्कनेस में गुम हुई या फिर तबाह हो गई। क्या ये महज इतफाक था? नहीं दोस्तों, ये महज इतफाक नहीं था। हम इस आयत को पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें इस दीन में पैदा किया जिसने दुनिया को 1400 साल पहले पिच डार्कनेस, मौज के ऊपर मौज और फिर अंधेरे के बादलों के बारे में इतला दे दी थी, और साथ ये भी फरमा दिया था कि अल्लाह जिसको रोशनी ना दे उसे कभी रोशनी नसीब नहीं होती। दोस्तों टाइटैनिक और टाइटन के डूबने में शायद अल्लाह ताला की यही हिकमत पोशीदा हो, शायद इस तखरीब में तामीर का कोई राज छुपा हुआ हो, शायद अल्लाह ताला हुसैन दाऊद फैमिली से कोई बड़ा काम लेना चाहता हो। बेशक अल्लाह जिसको रोशनी से नवाजता है उसके जहन से अंधेरे के सारे बादल खुद ब खुद छट जाते हैं। और आखिरी बात कि इंसान को बाज़ औकात अपनी मौत के मकाम तक पहुंचने के लिए $2.5 लाख भी अदा करना पड़ जाती हैं और उसे अपनी मौत खरीदना पड़ जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।